अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर, उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं हफीज़ुर रहमान पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का थोड़ा सा मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता दूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इस पॉडकास्ट के लिए जो मैंने सोचा आइडिया कि भाई इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, उसमें मैंने सोचा कि जो इस वक्त लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी है यहाँ पे, उसको किस तरीके से मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। सो मैंने सोचा कि एकेडमिक से जो लोग अपने 20-25 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं और काफ़ी नॉलेजेबल हैं, उनको मैं अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट करता हूँ और उनसे कुछ रहनुमाई लेते हैं, कुछ उनसे डिस्कशन से आप लोगों के लिए कुछ फ्रूटफुल चीज़ें हम निकालने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से इंडस्ट्री से भी हम रिस्पेक्टेड जो लोग होते हैं, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में लीडिंग रोल अदा कर रहे होते हैं, सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, उन सबको भी हम यहाँ पे बुलाते हैं और उनसे आइडेंटिफाई करते हैं और उनसे गपशप लगा के आप लोगों के लिए कोई ना कोई चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं ताकि आप उससे रहनुमाई हासिल कर सकें। इसी सिलसिले में आज मेरे मेहमान हैं लाल मोहम्मद लखन साहब, जो कि डायरेक्टर हैं साउथ रीजन आईसीए में पाकिस्तान के। उनको मैंने अपने प्रोग्राम में दावत दी है, आइए उनको खुशामदीद कहते हैं। लाल साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक सलाम सर, थैंक यू मच अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, हमारे नाज़रीन को सुनने का मौका मिलेगा। आपके पास बहुत कुछ है, मुझे पता है आप बहुत अरसे से आईसीएमए के साथ, आपके साथ एसोसिएशन है। लाल साहब ये बताइए कि ये आईसीएमए क्वालिफिकेशन है क्या? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, थैंक यू वेरी मच हफीज साहब। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपना एक्सपीरियंस जो लास्ट 20 ईयर्स का अभी आईसीएमए है वो मैं शेयर कर सक रहा हूँ। आईसीएमए पाकिस्तान एक, आप अगर डायरेक्टली बोल दें तो चार्टर्ड बॉडी है। बेसिकली हम एक्ट के तहत डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन हैं और सोल जो प्रोवाइडर हैं वो कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के लिए है, जिसको अभी हम रिसेंटली जो नेशनल असेंबली में जाके चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की क्वालिफिकेशंस का दर्जा दिलाया है। तो राइट नाउ ये एक सोल प्रोवाइडर है, मेनली जो हमारे एरियाज हैं उन एरियाज में अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिट एंड टैक्स के एरियाज हैं। और ये एक नेचुरल फील्ड है, आप समझते हैं कि एवरीवेयर जो इस फील्ड के जो लोग होते हैं, क्योंकि इसकी जॉब हर जगह पर अवेलेबल है। और एक हमारी आईसीएमए पाकिस्तान की नेशन वाइड एग्जिस्टेंस है। नॉर्मली आप देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, यूनिवर्सिटीज का किसी एक शहर के अंदर कैंपस होता है। इवन आप एग्जाम्पल ले लें, अगर आप आईबीए को ले लें तो आईबीए का नॉर्मली एग्जिस्टेंस कराची में ज्यादा है, लम्स की लाहौर में। ठीक, बट अगर आईसीएमए पाकिस्तान को देखें तो आईसीएमए पाकिस्तान ये हमारा ब्रांड नेम है, इसका असल नेम जो आईसीएमए पाकिस्तान है, मगर जिसके साथ ये चार्टर्ड है। बट क्योंकि अभी हम इंटरनेशनली मूव ऑन हो गए तो आईसीएमए पाकिस्तान के तकरीबन 5 कंट्रीज के अंदर हमारी ब्रांच काउंसिल्स ओपन हो चुकी हैं, तो नाउ हम इसको ब्रांड नेम के तौर पर आईसीएमए इंटरनेशनल वो कहते हैं। तो अभी हम इंटरनेशनली हमने एक और जो अपनी निश क्रिएट की है वो आईसीएमए डिजिटल है। हम ये फर्म बिलीवर हैं, इस बात को समझते हैं कि नाउ डेज जो पेन और पेपर का वर्क था वो तकरीबन पेपर लेस हो चुका है। तो आगे इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम मूव ऑन है। पाकिस्तान के अंदर हमारी तकरीबन 14 प्लेसेस के अंदर एग्जिस्टेंस है, तो मूव ऑन है, मैं उसके शेयर और डिटेल आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, राइट। अच्छा लाल साहब ये भी बताइए क्या फर्क क्या है, बुनियादी फर्क क्या है, क्यों बच्चे जो है वो सीएमए के उस पे आए, क्यों नहीं वो एसीसीए करें या सीएफए क्यों ना करें, इसकी तरफ क्यों आए, इसके अंदर क्या चीज है, थोड़ा सा जरा फर्क बता दें जरा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको मैं एक और ऐड करूंगा कि क्यों ना, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो बच्चे हैं वो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की तरफ, बीबीए एमबीए की तरफ भी चले जाते हैं। बच्चों में या पेरेंट्स में इवन ये अवेयरनेस बहुत कम है कि क्वालिफिकेशंस बेसिकली दो किस्म की है, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन। जो आईसीएमए पाकिस्तान है, जो चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या एसीसीए के लोग हैं, ये हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस कहलाते हैं। अच्छा, जो यूनिवर्सिटीज अवार्ड करती हैं जैसे बीबीए एमबीए करते हैं वो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस अवार्ड करती हैं। अच्छा, बेसिक डिफरेंस क्या है? जो यूनिवर्सिटीज है आपको ऑन दी बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज डिग्री अवार्ड कर देते हैं, ठीक है, उनके लिए कोई जॉब रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसके बाद आपको डिग्री अवार्ड करें। जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होती है लाइक आईसीएम,
ICMA इवन 2 ईयर्स क्वालिफिकेशन भी तब अवार्ड करता है जब तक आपके पास मिनिमम 6 मंथ टू 1 ईयर्स का जॉब एक्सपीरियंस हो। तो जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस का मतलब ही ये होता है कि डिक्शनरी डेफिनेशन आप देख लें, अकेडमिक्स मीन्स थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रोफेशनल मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि हम प्रैक्टिकली साउंड करते हैं बच्चों को, तो ये बहुत पता बड़ा कॉर्पोरेट में या जॉब मार्केट के अंदर डिफर करता है अकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर। अब हम आ जाते हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स है, मैं अगर नॉर्मल एग्जाम्पल दे दूँ तो जो क्रिकेट के ग्राउंड पर, सारे लोग क्रिकेट जानते हैं, तो जो क्रिकेट के ग्राउंड पर जब गेम स्टार्ट होती है तो कोई 11 के करीब प्लेयर ऑफ द गेम होते हैं, मगर वहां पर 2 और लोग भी होते हैं जो एम्पायरिंग का रोल प्ले करते हैं। तो सिंपल है, तो जो ऑडिट का मेन रोल है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास है, बट प्राउडली प्लेयर ऑफ द गेम मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। ग्रेट, लवली, बहुत आपने एग्जांपल दे दिया, थैंक यू। तो ये इस तरीके से जो आगे हम आएंगे कि जॉब मार्केट पे कंपेरेटिव पे आएंगे, मगर ICMA पाकिस्तान वाहिद इदारा है, इवन IFAC बॉडी जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स है, कि जिसमें ICMA पाकिस्तान कोचिंग ओनली हम देते हैं। ACCA का ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, CA ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं देता, ICMA पाकिस्तान के ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल ओवर द पाकिस्तान अवेलेबल। ग्रेट, लवली, बहुत जबरदस्त। अच्छा लाल साहब, ये भी थोड़ा सा अगर बता दीजिए, हमारे नाज़रीन सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप एक बहुत ही ऑथेंटिक पर्सनैलिटी रखते हैं इस ICMA के अंदर, करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, बच्चे क्यों अपना 4 साल यहाँ पे लगाएं, और उनके बाद उसकी फिर अगर उनके अपॉर्चुनिटी के हवाले से भी थोड़ा सा जरा बताएं, जरा गाइड करें क्या है। ये जबरदस्त क्वेश्चन है। अब अगर मैं कंपेयर करूँ तो जो यूनिवर्सिटीज का कॉन्सेप्ट है वो है एडमिशन टू डिग्री, मीन्स बच्चा एडमिशन लेगा और उसको एक सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाएगा एट द एंड, एंड यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अब हमारा स्कूल ऑफ था टोटली चेंज, हमारा स्कूल ऑफ था एडमिशन टू जॉब प्लेसमेंट। देखिए यही गेम है, पेरेंट्स जब बच्चे को कहीं भी भेजते हैं इस पर्पज के लिए नहीं भेजते कि आप जाएं जी, आप जाएं बी करें, आप जाएं MBA करें, यूनिवर्सिटी की कोई भी ऑनरशिप नहीं है कि जॉब प्लेसमेंट करवाएं। हम ICMA पाकिस्तान स्टूडेंट्स की क्वालिफाइड की जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, प्लेसमेंट इंडस्ट्री लिंकेजेस हमारी मेन तरजीह होती है, जैसे एडमिशन हो उस तरीके से प्लेसमेंट भी हो, नंबर वन। नंबर टू, क्योंकि ये एक नेचुरल फील्ड है तो इसकी जॉब स्कूल में भी है, जैसे अगर आपके पास कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहला बंदा भी आप अकाउंटेंट हायर करते हैं और वहां पर आपके फाइनेंस के लोग चाहिए, हॉस्पिटल में भी फाइनेंस के लोग चाहिए, तो एवरीवेयर फाइनेंस अकाउंट्स ऑडिट एंड टैक्स के लिए जॉब अवेलेबल है। ठीक, क्योंकि इसकी जॉब अवेलेबल है तो इसकी प्लेसमेंट के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स व्हाई ऐसी कोई भी पाकिस्तान के अंदर स्पेशली क्वालिफिकेशंस मौजूद नहीं है, जो कोई ऐसा इदारा भी गारंटी नहीं कर सकता 100% प्लेसमेंट करवा सकता है। ठीक, हम इवन क्वालिफाइड की नहीं, क्योंकि हमारी टोटल क्वालिफिकेशन आगे हम डिटेल में बताएंगे कि 4 ईयर क्वालिफिकेशन है, बट जॉब प्लेसमेंट हम मैंडेटरी कर देते हैं आफ्टर 2 ईयर्स। तो ऐसी दुनिया में कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है जो पार्शियली क्वालिफाइड पे वो जॉब पे चला जाए। दैट्स व्हाई हम जो मेजर डिफरेंस है हमारा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो आर्टिकलशिप में बिलीव करते हैं। ठीक, हमारा जो स्कूल ऑफ थॉट है कि आफ्टर 2 ईयर्स बच्चे को जॉब पे प्लेस किया जाए। ठीक है, सही। हम ये समझते हैं कि आर्टिकलशिप से ज्यादा लर्निंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब से आएगी, तो डेट्स व्हाई हमारा स्कूल ऑफ थॉट यही है, वो है लर्न एंड अर्न। आप लर्न भी करते जाए और अर्न भी करते जाए, जबकि यूनिवर्सिटीज का और बाकी स्कूल ऑफ थॉट है लर्न देन अर्न। तो इतना आज के दौर में पेरेंट्स इस महंगाई के दौर में ये नहीं हो सकता कि 5 साल 8 साल आप टोटल एजुकेशन को दें और देन आप जीरो से जॉब स्टार्ट करें। बिल्कुल सही कहा, बहुत खूबसूरत। अच्छा लाल साहब, मैंने ये सुना है आपके आपकी जो सर्टिफिकेशंस हैं इसके बारे में, मैंने ये सुना है कि इसको हासिल करना इतना आसान नहीं है, इट्स अ डिफिकल्ट एग्जाम्स के डिफिकल्ट होते हैं, बच्चे बड़ी मुश्किलों से पास कर रहे होते हैं,
तो कोई एग्जाम स्ट्रेटजी आप जरा अगर बताना चाहें उन बच्चों के लिए जो कि इस आना चाह रहे हैं इस फील्ड के, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में चीज बैठी हुई है कि भाई बहुत मुश्किल है, रहने दें, और आपने आप जरा इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डाली है। इसके लिए तो मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा कि इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो एक मिथ बनी हुई है, पहले तो ये मिथ थी कि हम कोई नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से पास कर सकते। अब मैं अगर आपको बता दूं कि आज का आईसीएमई पाकिस्तान टोटल चेंज है लास्ट 5 ईयर्स से। नंबर वन, हमने एक तो पेपरलेस एग्जाम सिस्टम कर दिया है, ठीक सही। नंबर टू, हम टोटली कंप्यूटर बेस पे एग्जाम को लेके चले गए। साल के अंदर 6 टाइम्स एग्जाम होता है, हर 46 डेज पे मेरा पेपर हो रहा होता है। अच्छा, इससे हुआ क्या कि नॉर्मली हम देखते हैं कि जो पासिंग रेशियो है, जो पासिंग रेशियो जैसे कंपेरेटिव किया जाता है, तो लोग पासिंग रेशियो को कंपेरेटिव करते हैं फाइनलिस्ट को, ठीक है सही। अब मुझे आप यूनिवर्सिटी से कंपेयर नहीं कर सकते हो, वो इसलिए कि यूनिवर्सिटी का बच्चा तो जॉब नहीं कर रहा, ठीक, वो अर्न नहीं कर रहा, ठीक। मेरा बच्चा 2 ईयर्स के बाद असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक। जब वो जॉब करता है, जब उसकी प्लेसमेंट हो जाती है, तो वो अब उनकी कोई प्रायोरिटी, जो पहली प्रायोरिटी है वो आईसीयू में नहीं है, जॉब है, ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3rd ईयर और 4th ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन मैनेजर लेवल पे काम कर रहे होते हैं। तो एक तो रीजन ये है कि हम ये समझते हैं कि आईसीएमई पाकिस्तान का अब पासिंग रेशियो बड़ा जबरदस्त है, सही। क्योंकि हमारे हमने इसको 3 लेयर्स में ब्रेकअप किया है, ठीक है। नंबर वन, कि अगर वो ऑपरेशन लेवल पर है तो टोटल एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। जब वो आगे मैनेजर लेवल पे चला जाता है तो हम उसके ऊपर मिक्स करते हैं, बट पेन पेपर पे नहीं ले आते, उनको वहीं रखते हैं, और देन फाइनली जो हमारे स्ट्रेटजिक लेवल है उसमें पेपर्स अकॉर्डिंगली कुछ एमटीक्यूज, कुछ केस सिनेरियो देके उनको एवेल्यूएट करते हैं। इनमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज का पासिंग रेशियो बिट बेटर इसलिए है कि वहां पर जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, मैं समझता हूँ वो, क्योंकि वहां पर जो फैकल्टी पढ़ा रही है, पढ़ाता भी वही है, पेपर सेटर भी वही है, पेपर चेकर भी वही है। अच्छा, मैं जब ज्यादा बोल न जाऊं तो मुझे ये बात कोई बहुत ज्यादा इतनी अट्रैक्ट नहीं करती कि क्योंकि पेपर चेकिंग के लिए कम से कम सिस्टम ऐसा हो जहां पर एक लेयर पे अवल, जबकि आईसीएमई पाकिस्तान के अंदर फैकल्टी का काम है अपनी लर्निंग देन, पेपर सेटर कोई और है, और अब चेकर तो है ही कंप्यूटर, तब इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत हम एवेल्यूएट करते हैं। बट आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 20,000 हमारे स्टूडेंट्स हैं, अराउंड 8,000 to 10,000 हमारे क्वालिफाइड हैं, और वो टॉप मैनेजमेंट की पोजीशंस पर हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर टॉप मैनेजमेंट पे आईबीए के लोग हो, लम्स के लोग हो, तो समझ आता है, क्योंकि वो इंटरमीडिएट 90+ बच्चा लेते हैं। अगर वो इंटरमीडिएट में जिस बच्चे की परसेंटेज राउंड 90% है उसको लेते हैं, ठीक। आप इधर देखें, हम 40-50% वाला बच्चा लेते हैं इंटरमीडिएट, एग्जैक्टली। असल बात जो लोगों को पता नहीं है वो यही है, जी जी, कि ऐसे में पाकिस्तान ग्रास रूट टेबल से मिडिल लोअर मिडिल क्लास के बच्चे को, और हमारे यहाँ कोई भी ऐसी लेयर नहीं है कि आप कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, आप जस्ट पास हो, नंबर वन। नंबर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास ये भी नहीं है कि आपका इंटरमीडिएट प्री मेडिकल से, प्री इंजीनियरिंग से, आर्ट से, कॉमर्स से, किसी से भी है, ठीक, और आपकी परसेंटेज जस्ट पास है। ऐसा कोई भी पाकिस्तान में इदारा नहीं है कि इस तरह के ग्रास रूट लेवल से बच्चे को पिक करे, ठीक। क्योंकि एक बच्चे का अगर मैट्रिक में सीडी ग्रेड है, इंटर में सीडी ग्रेड है, तो यूनिवर्सिटीज उसको पिक ही नहीं करते, बिल्कुल ठीक। आईसीएमई पाकिस्तान उसको पिक करता है, हम उसको आगे लेके जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 100% जॉब प्लेसमेंट है। आज भी अगर आप कॉर्पोरेट में जाए, राइट नाउ गवर्नर स्टेट बैंक जमील साहब हमारे मेंबर हैं, 2 डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक हमारे मेंबर हैं, और कॉर्पोरेट में, मिडिल ईस्ट में, जहां जाए, जब मैं ये चीज की गारंटी कर रहा हूँ कि 2 ईयर्स के बाद बच्चा जॉब प्लेसमेंट में होता है, और विद दिस बैकग्राउंड, दैट्स व्हाई कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं यूनिवर्सिटीज को उनके लिए इजी गो हो सकता है, मगर आप कभी भी नहीं कह सकते कि ये मुश्किल है, ठीक। 50% उसका पासिंग रेशियो है, ठीक। आपके पास उसमें से 50-60% एमसीक्यूज आ जाते हैं,
और आप अगर थोड़े से भी स्मार्टली वर्किंग करते हैं, कोचिंग हमारे आपके लिए फुल फ्लेज अवेलेबल है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी यूनिवर्सिटी से कंपेरेटिव, जो 4 से 5 लाख सेमेस्टर का लेते हैं, उनसे कम नहीं है। हमारी फीस टोटल कोर्स की है ही 4 लाख, उनमें से मिडिल पे तो जॉब पे चला जाता है। तो हम लोवेस्ट इन पाकिस्तान फीस स्ट्रक्चर रखते हैं, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देते हैं, लैब्स लाइब्रेरीज देते हैं, और उसके साथ सबसे बड़ी बात, हम उनकी जॉब को लुक आफ्टर करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि स्टूडेंट्स हैं, अगर आप कहीं भी आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्वालिफिकेशन, या आप एसोसिएट मेंबर हैं, आप फेलो मेंबर हैं, दुनिया में कहीं भी हैं, अगर आप समझते हैं कि आप जॉबलेस हैं या आपको जॉब चेंज करनी है, जस्ट आप एक ईमेल पे होते हैं। हमारा जो इंडस्ट्री लिंकेजेस डिपार्टमेंट है, एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट है, वो आपको लुक आफ्टर करता है और आपको प्लेस करता है। ठीक है, सही, थैंक यू। अच्छा ये बताइएगा लाल साहब, आपने आपने मेरा सवाल का आधा तो जवाब मुझे आपने मिल गया आपकी गुफ्तगू से सर, लेकिन एक बड़ा सवाल था जो कि मुझे पेरेंट्स से मेरे पास मौजूद है, वो होता है कि वो 2 साल, आपने कहा कि 2 साल के बाद वो फिर जॉब पे आता है। आजकल की इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि लोग चाहते हैं भाई किसी तरीके से हमें कुछ और रिलीफ मिल जाए। माशाल्लाह से आपने फीस इतनी कम रखी हुई है अपने ICME की, उसके बावजूद क्या आपके पास कोई ऐसी बाहर से कोई स्कॉलरशिप आ रही होती है, कि कोई बाहर से आपको फंडिंग आ रही होती है, कि कोई अगर पेरेंट्स आपको अप्रोच करे तो आप उनको स्कॉलरशिप के हवाले से कुछ उनको कर सकते हैं फंडिंग? थैंक यू वेरी मच फॉर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास 3-4 लेयर पे हम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं। एक तो हमने पहले अपने जो सिस्टम बनाया है उसमें कहीं मैंडेटरी नहीं किया कि आप कोई 3 या 4 या 5 सब्जेक्ट्स में एडमिशन लें, आप अपने देखते हुए 1, 2, 3 सब्जेक्ट में एडमिशन। नंबर 1, आप अपनी मर्जी से कोर्स आप करें और उसको पढ़ें। नंबर 2, अगर आपको नीड बेस पर फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप वेरीफाई कर सकते हो कि हमने लास्ट ईयर 104 मिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है स्टूडेंट्स को, और ये कोई भी इदारा क्लेम नहीं कर सकता, और ये विदाउट एनी फंडिंग है। हमने किसी से भी कोई भी फंड नहीं लिया है, अपने ही जो हमने रिसोर्सेज जनरेट किए उनका शेयर हमने स्टूडेंट्स को दिया। एक तो नीड बेस पे मौजूद है, नंबर 2 हमने पाकिस्तान बैतुल माल के साथ एक MOU किया हुआ है जिसके तहत हम 4 ईयर्स के लिए बच्चे को फुल फ्रीशिप देते हैं, राउंड अबाउट 300 के करीब हमारे पास सीट्स हैं, और उनका एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है, 60% हो और उनके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो, वो भी हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं पेरेंट्स को। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपकी परसेंटेज इंटरमीडिएट में 80-86 है तो आपको थ्रू आउट द 4 ईयर हम 50% वेवर देते हैं। अगर आपकी परसेंटेज 86 ऑनवर्ड है तो आपको हम 75% वेवर देते हैं। अगर आप पोजीशन होल्डर हैं तो आपको 100% 4 ईयर के लिए हम वेवर देते हैं। और उसके बावजूद भी हमारी ये कोशिश होती है कि ऐसे स्टूडेंट्स आगे आ जाएं, और वो नीट बेस पे 100% पे देते हैं हम। तो ICME पाकिस्तान क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। ठीक, सही है, बहुत खूबसूरत। मुझे आपके आपने जो जवाब दिया उसी में से एक मुझे चीज़ अभी इस वक्त मुझे समझ में आ रही है कि मैं पूछ लूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी बड़ा अहम सवाल हो सकता है हमारे व्यूअर्स के लिए, और मुझे आपसे बेहतर पर्सनैलिटी मुझे नज़र नहीं आ रही है कि इसमें कोई जवाब दे सके। इसमें लाल साहब आपने भी कहा कि बच्चे जो हैं वो अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन करवा लें, 1 कोर्स 2 कोर्स जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, सो डोंट यू थिंक कि इससे जो है इनका टाइम ड्यूरेशन, जैसे हमने यूनिवर्सिटीज में देखा है कि भाई 4 साल का आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है, तो क्या CMA क्वालिफिकेशन में कोई वो लिमिटेशन नहीं है, प्लीज ये बताइए। थैंक यू सर, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि ये लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन है, तो इसमें तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसका टाइम फ्रेम एंड हो जाएगा, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल क्वालिफाइड आप, क्योंकि जब 2 ईयर्स की क्वालिफिकेशन करते हो तो सो मेनी स्टूडेंट्स 4-4, 5-5 साल अपने करियर में लग जाते हैं। ठीक, तो क्योंकि वो लर्न एंड अर्न का कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमने ये उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी। नंबर 2, स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं, इट मे बी पॉसिबल, देखिए आप क्वालिफिकेशन कर ही नहीं सकते हैं, इससे बेटर ये कि अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं, कुछ हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप अगर 6-10 पेपर्स निकाल लेते हैं,
बेशक उसमें हो सकता है कि आपका 6 मंथ का टाइम ज्यादा लगे, मगर क्योंकि आपको क्वालिफिकेशन मिल जाएगी, क्वालिफिकेशन के बेस पे वंस आप जॉब में एंटर हो जाएंगे तो आप आगे एक साथ 6 पेपर भी ले सकते हैं। ये भी प्रोविजन मौजूद है क्या मिनिमम और मैक्सिमम में, तो सो मेनी हमारे पास एग्जाम्पल्स है। एक और जो बात मैं कहना चाहूंगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर हमारे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, और इस तरीके से यूरोप में स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर राउंड अबाउट 1,000 to 2,000 हमारे मेंबर्स वहां भी सर्व करते हैं। क्योंकि हम आईफेक के फाउंडर मेंबर हैं, आईफेक सुप्रीम बॉडी है दुनिया की, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, हम उनके फाउंडर मेंबर हैं। आई सी। थैंक यू लाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। मुझे उम्मीद है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन इस प्रोग्राम के थ्रू मेरे नाज़रीन को दी है वो बहुत ही उनके लिए हेल्पफुल होगी। आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम अगले गेस्ट के साथ फिर मैं इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर।